सो असल गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं महिंद्रा XUV 500 के ड्राइवर के बारे में, जो कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व में अरेस्ट हो चुका है। क्यों अरेस्ट हुआ था? क्योंकि वो जानवरों को खाना खिला रहा था। तो आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, कह रहे होंगे कि भाई जानवरों को खाना खिलाना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात होती है, और अगर वो ऐसा कर रहा था तो इसमें क्या बुरी बात है। तो आप लोगों ने काफ़ी जगह रिजर्व फॉरेस्ट में देखा होगा, वहाँ पर साइड में बैनर लगा होता है कि भाई जानवरों को खाना मत खिलाओ, उनको कुछ भी मत खिलाओ, रोड पर खाना मत फेंको जिससे वो जानवर उसे खा ले। तो आप लोग सोचोगे कि ऐसा क्यों होता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों से भी ये गलती ना हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना आप लोग, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया लग जाए। ये इसलिए लिखा होता है क्योंकि काफ़ी लोग जो है जानवरों को खाना खिलाते हैं, और जानवर ऐसा सोचता है कि जो अगली गाड़ी आएगी वो भी हमें खाना खिलाएगी, तो उसी चक्कर में वो दोबारा से रोड पर आ जाते हैं। और अगर जो दूसरा ड्राइवर होता है, जो दूसरी गाड़ी का ड्राइवर होता है, वो उनको अगर खाना नहीं खिलाता है तो वो उस पर अटैक भी कर देता है कभी कभी। और जब अगर कभी अटैक नहीं करता है तो उसके ऊपर जो है दूसरी गाड़ी स्पीडिंग करती हुई आ रही होती है तो उससे टकरा जाती है, जिससे दोनों ही लोगों का डैमेजेस हो जाते हैं, जानवर की भी डेथ हो जाती है कभी कभी, और जो कार ड्राइवर होता है उसकी भी कभी कभी डेथ हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस ड्राइवर के बारे में। तो कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस आदमी को ढूंढ लिया। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे भाई इसको ढूंढा कैसे। जो आगे से गाड़ी आ रही थी उसने इसकी फोटो ले ली, जो आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और उसको इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, जो कि वायरल हो गई कुछ ही टाइम बाद। इस आदमी के बारे में बता दें तो ये एक जर्नलिस्ट है दिल्ली का, और ये जर्नलिस्ट नेशनल चैनल के लिए काम करता है। काफ़ी लोग यार खाना खिलाते हुए फोटोज़ भी क्लिक करते हैं, काफ़ी लोग दिखाना चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, वायरल होना चाहते हैं ऐसी वीडियोज़ बनाकर। तो भाई आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ, इस चीज़ को जो है कंट्रोल में कर लो, नहीं तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। बात कर लेते हैं इस ड्राइवर को कौन कौन से चार्जेस फेस करने को लगे। तो कोई भी चार्जेस फेस करने को नहीं दिए गए, इसको एक वार्निंग दे दी गई, जहाँ पर ड्राइवर ने भी माफ़ी मांगी इस चीज़ को लेकर, और अपनी जो गलती है उसको एक्सेप्ट करा, कहा अब से ये गलती जो है मेरे से नहीं होगी। और मेरे हिसाब से पुलिस वालों ने इसको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार करा ताकि एक एग्जाम्पल जो है वो सेट हो जाए, और लोग जो ये गलती करते हैं उनको थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए कि भाई ये गलती ना करो। तो आप लोग भी यार ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली बार।